वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग एक्चुअली मैं कर रही हूँ बिल्कुल शाम से। तो छुट्टी हो रही है पिछले 3 दिनों से, तो कंटिन्यूसली छुट्टी है। मैं सोच रही हूँ नहीं, कल जो खुलेगा स्कूल, कल जो खुलेगा, लेकिन नहीं खुल रहा है और घर रह के हो गई हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा बोर। तो अपने बच्चों की याद भी आने लग गई है अब, क्योंकि बच्चों को देखने की आदत सी पड़ गई है ना स्कूल में जा करके। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर से बाहर निकल के, अच्छा लगता है। बारिश भी है तो होती, हमारे एरिया में तो खैर बारिश भी नहीं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि छुट्टी वेस्ट ही जा रही है हमारी, मतलब बेकार ही हो रही है। अब भगवान कल के लिए कोई छुट्टी का ऑर्डर ना आए। और फ्रेंड्स, आज है शुक्र बाजार, फ्राइडे मार्केट। तो मैं पूरे 2 हफ्ते बाद जाऊँगी आज, क्योंकि लास्ट फ्राइडे हम गए नहीं थे। लास्ट फ्राइडे के लास्ट फ्राइडे भी हम नहीं गए थे, शेखर सब्जी रख करके चले गए थे और अगले दिन चले गए थे गाज़ियाबाद। तो फिर वही हम लोगों ने, मैंने और मेरे लड्डू गोपाल ने, वही सब्जियां हमारी चल गई थी दोनों की। तो आज हम जाएंगे फ्राइडे मार्केट और देखते हैं सब्जियों के रेट कुछ घटे या फिर वही आसमान छू रहे हैं, तो वो जा करके ही पता चले। तो मेरी लेके तो गाइज, जिस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका है। फाइनली वो दिन आ गया 2-2.5 हफ्ते बाद। देख लो पति क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं तो 2-2.5 हफ्ते से किचन में गर्मी से परेशान हो रही थी। मैं हर बार यही सोचती थी कब आएंगे शेखर, कब आएंगे ये, कब आएंगे मेरे प्राण हेल्प करने के लिए। यही समझ गई। और आज करेले की सब्जी बना रहे हैं वो। चले गए शर्मा के, भगवान जी के इसी नेचर पे फिदा हो। बिल्कुल यही नेचर, लव लवाते हुए मैं इसी नेचर के लिए शादी हुई। बिल्कुल, ये जो लव लवाते हुए शादी की ना, वो इसी ने कहा। आपने ऐसा क्या देखा जो आप लव लव, जो आप हमसे शादी करने के तैयार हैं? क्या बोला तूने? यही नहीं, अभी और सुनिए। वही तो सोच रहे हैं कि हमने तुम्हें क्या देखा जो तुमसे लबलबाते हुए शादी कर लिए। यही देखा, यही खाना बनाते हुए देखा और बर्तन मांजते हुए देखा। और बर्तन नहीं, और पत्नियों पत्नी की सारी बातों को मतलब क्या है, आज्ञा मानना देखा। यस, इसीलिए तो हमने लबलबा के शादी की आपसे। वाओ, भगवान ऐसा पति, मतलब ये पति नहीं, ऐसा पति सभी को दे। भगवान ऐसा पति सभी को दे। मैं सोचा साग छोड़ पर कितने है गई। तो फ्रेंड्स, स्कूल कल खुल भी सकता है और जैसा कि आप लोग को पता ही है, सुबह ना बहुत हौच पौच हो जाती है एक्चुअली, बहुत जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि अपने जो सुबह का कुछ काम होता है उसको मैं रात को ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं सब्जी रात में ही काट के रख देती हूँ, तो कल सुबह मैं सोच रही हूँ कद्दू बनाने का। तो मैं इसको फ़िलहाल कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, और कल सुबह, ताकि बनाना इजी हो जाए मेरे लिए। अब चाहे छुट्टी हो वो बात अलग है, अगर नहीं होगी तो फिर मेरे काम में थोड़ा मेरी हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं ये काम अभी कर रही हूँ। और साथ ही साथ इधर बन रही है हमारी करेले की सब्जी। आज करेला खाएंगे, करेला शेखर को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। वैभव को नहीं पसंद है, वैभव को। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने शुक्र बाजार, यानी कि जहां पे हमारा मतलब मंडी लगती है। मंडी मींस शुक्र बाजार। तो हम पहुंच गए हैं वहां पे सब्जी लेने के लिए, और सब्जी के रेट तो अब जाकर के ही पता चलेगा। महंगे होंगे तो मैं तो बिल्कुल नहीं लेके जानी सब्जी। दाल खाएंगे, राजमा, छोले, ये सब खाएंगे। तो हम आ गए हैं, चल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। और सब्जियां तो देखने में वाकई में बहुत सुंदर सुंदर लग रही हैं। अभी फ़िलहाल हमें पसंद आ गई यहाँ पे भिंडी और नींबू। देखो भिंडी तो ऐसे चमक रही है ना बिल्कुल, तो रेट भी सही है। तो हमने भिंडी भी रख ली और नींबू भी रख लिए। और पूछा शिमला मिर्च का रेट, तो पास से देखा तो शिमला मिर्च तो बिल्कुल ख़राब थी, तो हमने ली ही नहीं शिमला मिर्च। और आलू की जैसा हर सब्ज़ी में डलता ही है, बहुत ज़रूरी होता है आलू। अगर कुछ ना भी हो, आलू है तो ऑप्शन में
तो कुछ दिक्कत नहीं होती है, कहने का मतलब है। तो हमने आलू भी रख लिए, और अभी पूछा टमाटर का रेट, तो आजकल तो टमाटर खरीदना मतलब पहाड़ हो रहा है बिल्कुल। तो टमाटर का रेट है 160 रुपये किलो बताया वो भैया ने, तो हम वहाँ से छोड़ के चले गए हैं। अब मैं यहाँ पे आई अंकल से पूछने कि टमाटर क्या रेट हो रहा है, टमाटर दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो अंकल ने बोला 70 का आधा किलो और 150 रुपये किलो, यही बोला था। हाँ, तो फाइनली यहाँ पे बात हमने कर ली है, 120 रुपये में बात तय हो चुकी है। तो हमने 1 किलो टमाटर उठा ही लिए, और ऐसा लग रहा है कि हाँ आज अमीरों वाली फीलिंग आ रही है टमाटर खरीदने के बाद। और ये क्या, तो ये तोरी खरीदने तो शेखर बिल्कुल दुकान के अंदर ही घुस गए हैं, और ये यहाँ पे दाल का भी लगी हुई है दुकान है, दाल वाल तो खैर हम यहाँ से लेंगे नहीं। और ये देखिए आलू के कुछ इस तरीके के ये पकौड़ियाँ सी मिलती हैं, और वैभव ने बोला भी था बट मैंने ये भी नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे ये भी ना पसंद नहीं आता है। मैंने कहा अगर पकौड़ियाँ ही खानी है तो मैं घर पे बना दूँगी। और ये मैंने जा कर के देखा कि आखिर ये है क्या, तो भैया ने मुझे टेस्ट कराया, तो मुझे टेस्ट में कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, फिर भी मैंने 10 रुपये का ले ही लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर उन्होंने टेस्ट करवा रखा तो 10 रुपये का ले लेते हैं। तो अब आई दोस्तों फ्रूट्स की बारी, और फ्रूट्स यहाँ इतना मिलता है, इतना मिलता है, बट आज क्या कि फ्रूट की तो दुकानें ही नहीं दिख रही हैं, और जो भी दिख रही हैं बस उसमें ये बचे कुचे एकदम गंदे से फ्रूट रखे हुए हैं। तो हमने थोड़ा बहुत अमरूद वगैरह ले लिया है फ्रूट्स में, और अब हम पहुँच गए अचार वाली दुकान पर। यहाँ का अचार बहुत फेमस है, तो हमने थोड़ा बहुत अचार भी रख लिया है। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम, घर पहुंच गए हैं सब्जी लेकर के, और सब्जियों के रेट ना आसमान छू रहे थे। और क्या कहने वाली थी, छुट्टियों का फिर से ऑर्डर आ गया दोस्तों। मैं तो इन छुट्टियों से ना इतना परेशान हो चुकी हूँ भाई गॉड, बहुत ही ज़्यादा। तो कल सैटरडे फिर से ऑफ, बच्चे खुश हो रखे हैं, और मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सच में। तो फ्रेंड्स मैंने सब्जियाँ धो करके रख दी हैं, और अभी उनको फ्रिज में लगाना बाकी है एक्चुअली। तो थक गई थी तो मैं आ गई हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए। वैभव हो गया है पड़ोस में, क्योंकि आजकल बच्चों की उसकी दिन मतलब छुट्टियों पे छुट्टियाँ आ रही हैं, तो वो पड़ोस में बच्चे हैं तो उनके यहाँ पे गया हुआ है खेलने के लिए। मतलब बस हमारे घर के सामने वाला घर है, तो बच्चे अपना वो क्या कहते हैं खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, छुट्टियाँ जो हो रही है ना एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं फ़िलहाल। सुबह उठना लेट लेट ही होता है, तो वहाँ चला गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर देती हूँ अब एंड, क्योंकि अब मुझे जाना है किचन में रोटी बनाने के लिए। और सब्जी तो मैं खैर बना के ही गई थी मार्केट। तो फ्रेंड्स वीडियो को कर देती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।